मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से खास बातचीत की। हमारे साथ मंत्री जी हैं, भागीरथ चौधरी जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। भागीरथ जी, जब हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी जरूरत है और भारत दुनिया को क्या दे सकता है? देखिए, भारत वर्ष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज पूरी दुनिया में चाइना को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के आधार पर। आज हमारा देश, मैं कह सकता हूं कि आज यदि जनगणना हो तो 148 करोड़ जनसंख्या हमारी देश की हो गई है। ऐसे में एक बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा एक यहाँ जनसंख्या है और उसके लिए चाहे खाद्यान्न हो, चाहे दलहन हो, चाहे तेलहन हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फल हो, फूल हो, उसमें आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है, ये कृषि प्रधान देश है और जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। मैं कह रहा हूं, मैं बात करूं 2014 के पहले यहाँ की, जो किसान उपज करता है उसकी एमएसपी की बात करूं तो 2014 के पहले और आज 2024 में एक गुना, दो गुना, ढाई गुना तक एमएसपी बढ़ाई है। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि ये देश चाहे अनाज ही नहीं, धान ही नहीं, दलहन और तिलहन ही नहीं, और चाहे फल हो, चाहे फूल हो, सब में आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा और क्यों ना हो, हमारा अन्नदाता जो हमें खिलाएगा उसे ना सिर्फ देश खाएगा बल्कि भारत दुनिया को भी खिलाएगा। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD News, पूसा।